हाँ तो गाइस आपने देखा होगा अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम रील पर कुछ इस तरह के वीडियोस काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी आसान तरीके से इस तरह के वीडियो का एडिटिंग बताने वाला हूँ। अब देखो आपने इफेक्ट तो वीडियो में लगा लिया है लेकिन उसके साथ में टेक्स्ट वाला लिरिक्स कैसे क्रिएट करें वो भी बताऊँगा। अब आपको बनाना कैसे है एक एक स्टेप के साथ मैं बताने वाला हूँ। इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, काफ़ी आसान है। अब देखो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है कैपकट। कैपकट का सारा प्रोसेस आप लोगों को पता ही होगा। कैपकट को यूज करने से पहले आपको VPN कनेक्ट करना है। जब आप कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। अब देखो यहाँ पे एक वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाला वीडियो तो भाई मैंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था। अगर आप अपने वीडियो के साथ बना रहे हो तो आप अपना एक वीडियो शूट कर लेना, जैसे इन भाई ने वीडियो को बनाया है इस तरह का आप भी एक वीडियो शूट कर लेना। अब देखो आपका जो भी वीडियो होगा ना उसमें इफेक्ट लगाना है, काफ़ी सिंपल है। उसके लिए आपको नीचे की साइड में यहाँ पे देखिएगा इफेक्ट मिलेगा, तो जैसे ही आप इफेक्ट पे जाओगे वीडियो इफेक्ट पे जाना है। जब आप वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारा इफेक्ट आता है। अगर आपका VPN कनेक्ट नहीं है ना तो यहाँ पे नो इंटरनेट प्रॉब्लम बताएगा। अगर आपने VPN को कनेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे देखना एक नाइट क्लब मिलेगा, तो जैसे ही आप नाइट क्लब में जाओगे यहाँ पे भी काफ़ी सारा इफेक्ट आता है। लेकिन थोड़ा नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे फ्लैश वाइब्रेशन वाला इफेक्ट मिलेगा, तो फ्लैश वाइब्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, एडजस्ट पे जाइएगा। अभी आपको जो ओपेसिटी है ना काफ़ी सिंपल है, सबसे पहले आपको जो स्पीड है ना इसको बिल्कुल 0 पे करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है जो कलर है, कलर में आपको यहाँ पे 58, 57 या फिर 56 करना है, आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद में जो रेंज है, रेंज की ओपेसिटी को 60 प्लस करने के बाद आप देख लेना कितना फ्लैश आप अपने वीडियो में देना चाहते हो। अब यहाँ पे जो ग्लो है ना, ग्लो में भी आप अपने फ्लैश इफेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पीड और कलर, तो कलर में आपको 57, 56, 58 के करीब करना है और स्पीड में 0 कर देना। बाकी का ओपेसिटी आप अपने वीडियो के हिसाब से लगा देना। अब देखो यहाँ पे जो इफेक्ट का लेयर है ना आप अपने वीडियो के टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जैसे कि जितना वीडियो है ना उतना ही इफेक्ट को लगा देना है। अब आपने इफेक्ट्स वगैरह तो लगा दिया है, अब आपको लिरिक्स लिखना है। तो देखो आपको ऑडियो पे जाना है एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे जाके आप किसी भी वीडियो में से ऑडियो को बना पाओगे। अगर आपके पास कोई ऑडियो वाला वीडियो है तो आप एक्सट्रैक्ट पे जाके वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे ऑडियो बन जाता है। अगर आपके पास डाउनलोड में है तो साउंड पे से सिलेक्ट कर पाओगे। अब देखो लिरिक्स लिखने से पहले आपको अपना ऑडियो प्ले कर देखना है। अब देखो यहाँ पे जो भी ऑडियो में बोला गया है ना आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, ऐड टेक्स्ट पे जाइएगा। अब जो भी ऑडियो में बोला गया है ना भाई आपको यहाँ पे लिखना है, तो जैसे कि कितना रोल आएगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ध्यान रखें जो जो शब्द गाने में बोला गया है ना भाई शब्द आपको टेक्स्ट में लिखना है। अब देखो आपको स्टाइल पे जाना है, नेक्स्ट आपको टेक्स्ट में ब्लैक कलर लगाना है। अब जो टेक्स्ट है ना आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर देना। अगर आपका यूट्यूब वीडियो साइज है तो आप उस हिसाब से कीजिएगा। अब आपने यहाँ पे जो लिरिक्स वाला टेक्स्ट लिखा है इसमें स्पेस देना है, तो आपको यहाँ पे स्पेसिंग पे जाना है। जब आप स्पेसिंग पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कैरेक्टर मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब जो कैरेक्टर का ओपेसिटी है ना 6-7 या फिर ऐड कर देना। उसके बाद आपको एनिमेशन पे जाना है। जब आप एनिमेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखना है टाइप 2 वाला एनिमेशन मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा टाइप 2 वाला एनिमेशन। तो यहाँ पे जो ओपेसिटी है ना टाइप 2 एनिमेशन की ओपेसिटी को आप अपने लिरिक्स के अकॉर्डिंग कीजिएगा, आपके ऑडियो की स्पीड के अकॉर्डिंग एनिमेशन की ओपेसिटी को रखिएगा। अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला लेयर है इसको पकड़कर आप आगे की साइड में स्लाइड कीजिएगा। जितना आपका वीडियो का टाइमिंग है उतना ही आपके टेक्स्ट के लेयर का टाइमिंग होना चाहिए। अब आपको अपना वीडियो अगेन प्ले कर देखना है, जहाँ से भी आपका लिरिक्स चेंज होता है वहाँ पर आपको स्प्लाइट देना है। टेक्स्ट में एडिट मिलेगा तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब आपका जो पहले वाला टेक्स्ट था ना उसे कट कर देना, जो भी ऑडियो में बोला गया है ना भाई वाला शब्द आपको एक बार फिर यहाँ पे लिख देना है। जब आप यहाँ पे लिरिक्स को लिख दोगे तो आपको एक बार फिर ऑडियो प्ले करना है। अब जहाँ पे भी लिरिक्स आपका चेंज हुआ है वहाँ पे स्प्लाइट देना है। टेक्स्ट में एडिट मिलेगा तो वहाँ पे जाइएगा, पहले वाले टेक्स्ट को कट करना है, जो भी ऑडियो में बोला गया है ना भाई वाला शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रब्बा वे तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो जब आप यहाँ पे स्प्लाइट देकर लिरिक्स लिखोगे ना तो यहाँ पे सभी टेक्स्ट में एनिमेशन नहीं आएगा, तो आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे जाना है, भाई वाला एनिमेशन लगाना है टाइप 2 वाला। जितना भी आपने टेक्स्ट में स्प्लाइट दिया है उसमें आप लोगों को एनिमेशन देना है टाइप 2 वाला, आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद आपको अपना वीडियो फिर प्ले कर देखना है, जहाँ से भी आपका ऑडियो चेंज होता है वहाँ पे स्प्लाइट देना है। जब आप टेक्स्ट में स्प्लाइट से कट लगाओगे तो आपको टेक्स्ट में ही एडिट मिलेगा, तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब आपका जो पहला वाला लिरिक्स वाला टेक्स्ट था उसे कट करने के बाद आपका जो भी ऑडियो में शब्द वो लगाया है भैया आपको लिरिक्स यहाँ पे लिखना है, काफ़ी सिंपल है। और साथ में आपको सभी टेक्स्ट में एनिमेशन देना है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अभी गाइस मैंने आपको एक एक स्टेप के साथ में बता दिया है कैसे आपको वीडियो में इफेक्ट लगाना है, कैसे आपको लिरिक्स लिखना है, साथ में कैसे आपको टेक्स्ट में एनिमेशन देना है। अब आगे का काम आपका है, अलग अलग ऑडियो के साथ में काफ़ी अच्छा वीडियो बनाइएगा और अपलोड कर वायरल हो जाइएगा।
और हाँ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही जाना भाई, बाकी आप पे डिपेंड करता है। और हाँ अगर अभी भी कुछ भी डाउट है वीडियो एडिट करने में तो कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हुआ है।